और भैया कैसे उदास बैठो, दो तीन रात देख रहा हूँ तो आजकल ऐसे ही रहे भाई उदास। ए भैया कहा बता मैं यार, तो बहुत बड़ी समस्या है। कहा है भाई? मैं एक बाबा जानू। ये कैसा ढोंगी बाबा तो नहीं हूँ। अरे अच्छा पूर्ति बाबा है। अच्छा हाँ अच्छा कर दे पूरी कतई पूरी कतई सही कह रहा है कतई। हाँ भाई चल तू। हाँ चल चल मिले खा भाई। वो बाबा मैं नहीं जानू यार, पर ये चेला बाबा को ले जागो तो है। हाँ चेला मुख चेला चल चेला ढंगा। परेशानी बताई का परेशानी है भैया? तो परेशानी मैं बताऊ तुम वो ले चल तो सही बाबा। हाँ रे तो ला फिर चलेंगे बाबा के ढंग क्यों चलेंगे। चला भाई अब कब चलेगो? बीड़ी तमाकू पानी क्यों था मैं सब कह देंगे। बहुत दूर थे पैदल चल के आए। हाथ जोड़े कछु नहीं चाहिए तुम तो यहाँ चलो। ऐसी नहीं है जाग मटा के इतने दूर थे आए और ये तो मटा संगे चल गया। ऐसा कछु नहीं होगा। पानी पात क्यों नहीं? गुरु की खासियत? हाँ रे बा की खासियत तो बहुत बढ़िया भाई। हाँ बढ़िया है जी भैया हमको बता दें। क्या कबूतरी बोली कबूतर से मुझे छेड़ना छत के ऊपर से। मतलब? मतलब के एक दिन छत के ऊपर हाँ। कबूतरी बैठी और कबूतर फैले बैठे मकडोरी पर बने आँख मार दे मई और वो हैगी का हैगी प्रेगनेंट और तो बाकी यहाँ डिलीवरी नहीं हो सब खूंगा आस पास में सब हॉस्पिटल में दिखा लियो सब डॉक्टर के पास में दिखा ली यो मान ले के तू अमेरिका तक के डॉक्टर यहाँ आए लिए जब का हो तो फिर इच्छा पूर्ति बाबा के ढंग ले गए और जब बाकी शरण लई तो डिलीवरी होगी और एक सवा मनी में सब काम कर दिया बाबा ने। एक सवा मनी में? अरे कतई ऐसा बाबा का हूँ। और खासियत का है बाकी? और खासियत ऐसी कि मोल तो ऐसी हैवी थी है कि मेरी भैंस माँ फिर गई अगर आठ नौ बेर वो ध्याप है नहीं वो गले डॉक्टर को दिखा ली नहीं। अरे गले बाबू देसी दवा दे ली नहीं फिर भैंस भ्यावे नहीं। मैं बाबा के ढंगा चले गए गंडा करवा ली नो बात का हो और गंडा करवायो और बाबा की ऐसी लहर मेहर हुई कि पाँच महीना में भ्या पड़ी और दो बैलक डर दिए। अब तो ये निरोग बदल हो मैं अंदर बहुत पहल का आया हूँ मैं तो ई से पकड़न दी सी जा रही है जो फिर चलो चलो तो चलो तगड़ो एरिया है वो। अब तो बैठो तो मैं वहां पर कुटिया पे आ गया बाबा की पे बैठो तो यहाँ बैठो मैं लाऊं बाबा बुला के भीतर होगो कुटिया में बैठ लियो बाहर बुला ले बैठ। बहुत बड़ो बाबा है बैठ जाओ। जय हो भाई महाराज जय हो जय हो। बाबा दुखिया आए बहुत दूर से आए और बाहर बैठाया हूँ मैं कि जाऊंगा कुटिया में देखो महाराज मिल जाएंगे तो आप समारोह में और चलो चलो बाबा की जय हो बाबा की जय हो बाबा की जय हो बाबा की बाबा की माँ की जय बाबा की माँ की जय बाबा की बहन की जय। जनो अब महाराज दो पाँच मिनट भजन ध्यान करेंगे यानी सत्संग को टाइम है। हम बहुत अच्छे समय पे पद आ रहे हैं भवन में तो अब ये भजन ध्यान करेंगे बाकी बाद में तुम्हारी अर्जी सुन लेंगे महाराज।
और सबन को नंबर आ रहे हो जैसे आए भाई साहब के, तो शांति बनाए रखें और सत्संग को आनंद लें बहुत जोर से। बाबा की जय। अभी सत्संग पीए से अब भजन ध्यान दीजिएगा। हरे प्रीतम प्यारे, हरे प्रीतम प्यारे, हरे प्रीतम प्यारे, हरे प्रीतम प्यारे। सॉरी भक्तनों, ये भजन तो दोपहर का है, सुबह का वक्त है, सुबह सुबह का टाइम है। तो दूसरा भजन आपके पेश कर रहे हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई। हाँ ठहरो डार्लिंग, एक डाउट है मुझे, मुन्नी बदनाम कैसे की? बेटा इसमें मुन्नी आत्मा को और डार्लिंग परमात्मा को कहा गया है, और मुन्नी आत्मा डार्लिंग परमात्मा के लिए यहाँ तक बदनाम हो जाती है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। आइएगा बाबा। मैं झंडू राम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। भक्तजनों सुनिएगा कि अरे हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कांधम था, किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। प्यारे धोखा है, प्यारे धोखा है, प्यारे धोखा है, प्यार वो बस खेल ले बे। पहले तुम्हें को नौबत था, वहाँ किश्ती गई क्यों जहाँ पानी कम हो, वहाँ डूबी क्यों ही किश्ती? बेटा तुम जानते हो प्यार क्या है? प्यार एक धोखा है, तो धोखे में कुछ भी हो सकता है बेटा। आजकल धोखे में क्या काम नहीं हो रहे, कुछ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। प्यारे धोखा है, प्यारे धोखा है। बाबा की जय, अच्छा दारी बाबा की जय, बाबा की मां की जय। देखो भक्तजनों, सत्संग है, भजन ध्यान सब काम है के। अब तो क्या को नंबर है, और नंबर लेते आओ, आप समस्या को निदान कराते जाओ। आप नंबर क्या जाओ, बाबा की जय हो। बोल बेटा क्या समस्या है? बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। कैसे बेटा? बाबा सब दुनिया की सेटिंग है। अच्छा, मेरी एक सेटिंग करा। अच्छा, किससे करनी तुझे सेटिंग? मोको पड़ोसन से सेटिंग करनी है। नहीं हो सकती बच्चा। क्यों नहीं हो सकती बेटा? पता लग गया तुझे पड़ोसी बहुत मारेगा। नहीं हो सकती बच्चा। बहुनी है बाबा। नहीं नहीं हो सकती बच्चा। तो कालू की मेहरबानी तो करा दे। भूल जाओ उसे। क्यों बाबा, खुद उसके चक्कर में संचित करा दे। बेटा अपना हाथ दिखा, दांत दिखा। बाबा तू यूं बता पहले, दांत ने क्यों देख रहा मेरे ने? बेटा क्या करे, आजकल दांत देखने पड़े, क्योंकि देखना पड़े कि कितने झटका तू झेल सके। तो बेटा तेरे ऊपर शनि राहु केतु और मंगल चारों मिलकर साथ साथ खेलने तो सेटिंग जबाई हो सके। कब होगी? 16 सोमवार। हाँ। नीचे मुंडी करके ऊपर टांगन करके, और ये मंत्र बोले कौन से? या खुदा तेरी कैसी खुदाई, या खुदा तेरी कैसी खुदाई, किसी के लिए अत्याचार मेरे लिए एक भी नहीं बनाई। कहता है बाबा ये कौन नहीं है, रट जा कहता है 21 बार 16 सोमवार तक ये मंत्र बोलना तो कू। कहता है बोलूंगा बाबा। ठीक है बेटा, तेरी इच्छा पूर्ति होगी। ठीक है बाबा। बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय। महाराज दरबार में हमारा नंबर रहेगा क्यों नहीं? बच्चा तेरा भी होगा। हाँ। बता क्या समस्या? तो मैंने अभी मेरे दिल सब समस्याओं का समाधान करे, अब क्या समस्या आ गई? अरे जब समस्या तो ऐसी आ गई कि जब मैं सुखी हो तो मेरा तो कतई पड़ोसी मेरे पे लग गो। बाबा की जय। बोल बेटा क्या समस्या है? बाबा यहाँ की समस्या है। बाबा की जय हो। बोल बेटा क्या समस्या है? अरे बाबा समस्या ये है कि ऊन हेरो। अच्छा। हाँ हेरो। बच्चा नहीं हेरो? हाँ। कितने दिनों से? 8-10 साल। 8-10 साल है? झूठ बोल रहा है बच्चे, पिछले 5 साल तेरी शादी हुई, 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, ये बात है ना? सुन, सुबह सुबह ले भगवान का नाम और एक भजन करना तेरे को, और साथ में अपनी उसको धर्म पत्नी को लेकर। कौन सा भजन करना है? धनादन दे धनादन, धनादन दे धनादन, धनादन दे धनादन, धनादन दे धनादन। लगातार 21 दिनों तक करना है। कौन सा बाबा? धनादन दे धनादन, धनादन दे धनादन। 21 दिन में तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसे बाबा की शरणों में लाना। क्यों बाबा? क्योंकि बाबा बेटा पहले बाबा दम करेंगे,
फिर दम करेंगे, फिर और दम करेंगे, फिर दम दमा दम दम करेंगे। बाबा कल ज्यादा दमा दम नहीं है बेटा, ये दम दमा दम ही है ना, यही पूरी तेरी समस्या का समाधान है। समझ रहे हो तो समझ रहे हो बेटा, पहले बाबा दम करेंगे, फिर और दम करेंगे, फिर दम दमा दम दम करेंगे। उसके बाद तुम्हारे अगर 9 महीने की जगह 6 महीने बच्चा ने हो तो बाबा के बता देना बाबा को, ठीक है। अरे छोड़ दे, नीचे कुछ नहीं पहना, छोड़ दे। क्या हुआ बेटा, कैसे रो रहा है? अरे रुक जा पगले, अब मेरे को भी रुलाएगा क्या? मेरी सेटिंग नहीं, मुझे धोखा दे। ये बता बेटा, सेटिंग कैसे धोखा दे गई? बाबा बहुत बुरा दे गई। शांति दायनी जड़ी बूटी। कौन सी बूटी बाबा? शांति दायनी जड़ी बूटी बेटा, जब से बाबा का ब्रेकअप हुआ है बाबा भी इसी को चूस चूस के टाइम पास कर रहा है। बाबा कोई सेटिंग की याद नहीं आ रही मेरे को तो। ठीक है बेटा, ठीक है, अब खुश रहे बेटा। बाबा तुम बाबा कैसे बने? बाबा महाराज जी, बेटा बाबा की अपनी भी एक सेटिंग हुआ करती थी। हाँ। फिर क्या हुआ, एक दिन सेटिंग की बाहों में बैठ के बाबा को ऐसा जोश आया। हाँ। सेटिंग की बाहों में बैठ के बाबा को ऐसा जोश आया, सेटिंग की माँ ने देख लिया, हिमालय पर्वत पे जाकर घुसाया। फिर क्या हुआ, उसकी माँ को छोड़ू। फिर क्या हुआ, मैंने भी सोच लिया उसकी माँ की बहन का छपरा एक करूँ। मैंने भी सोच लिया कि मेरे को मेरी तो इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अच्छा। तो मैं चिंते में मेरे भक्तजन है, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मैंने 3.5 साल भजन एक टंग पर खड़े होकर भजन किया। बोल बाबा की जय, इच्छा पूर्ति बाबा की जय, बाबा की माँ की जय।